तो वहीं अमेरिका ने दुनिया के सामने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी, अमेरिका अपने नए फाइटर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत हथियार विकसित कर लिए। अमेरिका का दावा है कि उसके हथियार इतने घातक है कि वो इनके जरिए चीन और रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कर ली जंग की तैयारी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका ने किया घातक हथियारों का सफल परीक्षण। अमेरिका के हथियार उड़ाएंगे रूस चीन के होश। मल्टी वॉर फ्रंट के लिए अमेरिका कॉम्बैट रेडी। यूक्रेन जंग पर रूस और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची और दोनों देशों के बीच भड़की एक छोटी सी चिंगारी रूस और अमेरिका में सीधी जंग भी करवा सकती है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण भी अमेरिका की परेशानी का बायस बना हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान भी लगातार इसराइल और अमेरिका को धमकी दे रहा है। ये तमाम फैक्ट और फैक्टर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भविष्य में अमेरिका को अचानक कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। लिहाजा इन खतरों को देखते हुए अमेरिका ने मल्टी वॉर फ्रंट की तैयारी शुरू कर दी है और इस कड़ी में वो इसकी शुरुआत अपनी वायुसेना के जंगी बेड़े की ताकत को बढ़ाकर कर रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अमेरिका ने आसमान पर बादशाहत कायम करने की पूरी तैयारी कर ली है। इन तस्वीरों का एक मतलब ये भी निकलता है कि अब बहुत जल्द अमेरिका की वायुसेना के जंगी बेड़े की शक्ल कुछ ऐसी ही दिखेगी, विलक्षण, विध्वंसक, विनाशकारी। खबर के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स अपने एनगेड यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत अपनी वायुसेना के नए जंगी बेड़े में 6th जनरेशन फाइटर जेट के साथ साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन को विकसित करने के करीब पहुंच चुका है। खबर के मुताबिक 2024 तक पूरी दुनिया अमेरिका की वायुसेना का नया अवतार देखेगी। दरअसल अपने प्लान के तहत अमेरिकी वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के एक ऐसे जंगी बेड़े को विकसित कर रहा है जिसमें एक फाइटर जेट के साथ ऐसे ड्रोन उड़ान भरेंगे जो एक फाइटर जेट की भूमिका निभाएंगे। अमेरिका की एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल के मुताबिक एक फाइटर जेट के साथ 5 या उससे ज्यादा ड्रोन उड़ान भरेंगे। इस दौरान ये ड्रोन स्ट्राइक और सर्विलांस दोनों ही काम करेंगे। ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक से भी लैस होंगे। इसके अलावा खतरे की सूरत में ये डिकॉय की तरह दुश्मन के जेट या मिसाइलों के हमले का सामना भी करेंगे।
इन तमाम ड्रोन की कमांड फाइटर जेट को उड़ा रहे पायलट के हाथ में होगी। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक उसने अपना एनगैड यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम साल 2015 में शुरू किया था। इसका मकसद अमेरिकी वायुसेना की शान कहे जाने वाले F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों से बेहतर और सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट बनाना था। अमेरिका ने अपने एनगैड प्रोग्राम को इतना खुफिया रखा था कि दुनिया सालों तक इसके बारे में अनजान रही, लेकिन रूस के सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने की खबर के बाद अमेरिका ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो अपने सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने के बहुत करीब है। अमेरिका की एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल के मुताबिक साल 2030 तक अमेरिकी वायुसेना के पास फ्यूचर फाइटर जेट्स की एक से ज्यादा स्क्वाड्रन होंगी।